में टाइम टू टाइम पीटीएम होता है सर. पहले हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता था कि लाइक प्राइवेट स्कूल इज बेटर देन यू नो गवर्नमेंट स्कूल. तो सर पीटीएम के दिन पैम्पलेट्स एंड एवरीथिंग सर हमारे इवन हमारे घर पे कॉल आई थी. सो लाइक हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि रियली गवर्नमेंट इज डूइंग वेल. सो सर हमारे लाइक यू नो आवर पेरेंट्स नो अबाउट अस इन पीटीएम एंड आवर पेरेंट्स ऑल्सो कमेंट दे वर सरप्राइज टू सी द न्यू बिल्डिंग लाइक वाओ हाउ मच नाइसली दे हैव मेड. ये वाले स्कूल में कब से पढ़ रहे हो सर? फ्रॉम स्टार्टिंग सिक्स्थ. सिक्स्थ से पढ़ रहे हो? यस सर. ये एक्सपीरियंस 6 साल का. गुड. ओके लास्ट. हाँ पीटीएम हुई थी सबके लिए? सबके मम्मी पापा आए थे? मम्मियां आई थी ज्यादा, पापा ज्यादा आए थे? पापा को क्या नहीं लाए थे? अब की बात अड़ जाना अगली पीटीएम में कि आपको चलना पड़ेगा. ठीक है सबके सब बच्चे हैं, पापा को लेके आना. एसएमसी होते हैं एसएमसी. गुड. और मैम सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सर जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं. पास करके बोलोगे तो आवाज आएगी. हाँ माइक पास करके. और सर हमारे स्कूल में जब इलेक्शंस होते हैं तो सब उनको वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं. तो जो क्योंकि टीचर्स करती है तो टीचर्स बात हो जाती है. पर जब हमारे पेरेंट्स आते हैं क्योंकि हम कुछ चीज शर्माते हैं बोलने में टीचर्स को, तो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं. वो चीज पेरेंट्स मैम को बोलती हैं और कुछ भी बोलती है तो वो भी चीज हमें मिल जाती है. एसएमसी इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी. पीटीएम का एक दो बच्चे मुझे जरा फायदा और बताओ, क्या क्या फायदा हुआ पीटीएम का? कुछ दो चार बच्चे. हाँ सर मेरे पेरेंट्स को यही फायदा मिला कि उनको उन्हें मेरे बारे में जानने को मिला कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है स्कूल में. बोल तो नहीं कर गई थी. सर पीटीएम से हमें ये फायदा मिलता है कि हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में और क्या नहीं कर रहे हैं. यस सर. हाँ सर और किसी का तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत फायदेमंद है पीटीएम क्योंकि मेरे पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं और जब भी मैं स्कूल से जाती हूँ तब भी कुछ नहीं पूछते मेरे पेरेंट्स क्या स्कूल में पढ़ाया क्या नहीं हुआ. लेकिन पीटीएम के दिन टीचर के साथ जब कन्वर्सेशन होता है तो उनको पता चलता है कि हाँ मेरी बच्ची कैसे पढ़ रही है और पूरा मिलता है उनको कि हाँ पूरा प्रोग्रेस है. वेरी गुड. लास्ट सर. सर पहले क्या होता था मेरे पेरेंट्स जो थे मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं. माइक पास करो. जब कोई भी मुझे एक्टिविटीज होती थी मेरे स्कूल में तो मुझे घर जाके बताना होता था कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए. तो वो कहते थे कि सरकारी स्कूल ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. पर जब है ना मतलब यहाँ पे नई नई फैसिलिटीज आई उनको पता लगा वो स्कूल में आए टीचर से बात करी कि हाँ भाई सरकारी स्कूल में कम नहीं है गवर्नमेंट स्कूल है भाई साहब फिर भी तो प्राइवेट से कम नहीं है. तो ज्यादा वैल्यू देने लगे मुझे कि बेटी तू ये कर तू ये कर. वेरी गुड. मतलब उनको समझ आएगा लड़की ऐसी पीटीएम के दिन मेरी टीचर जो मेरी माँ जैसी है वो मेरी माँ को डांट सकती है और उनसे कह सकती है आपकी बेटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए. ये उनसे मुझे फायदा हुआ है. इसीलिए तो मैंने कहा कि देखो मम्मी को डांट पड़वा दिया आपने पापा को बचा लिया. अगली बार सारे बच्चे अपने पापाओं को लेके आना. ठीक है अपने मम्मी पापा से किया करो. जैसे कई बच्चों ने बोला कि टाइम नहीं होता है, टाइम तो निकालना पड़ेगा. ये बात अपने मम्मी पापा को बताया करो जाके कि हमारे स्कूल में अब कुछ अच्छी चीजें ये शुरू हो गई है. जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तारीफ करनी है बल्कि इसलिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको बता रहा हूं. आप खुद जानते हो इसको. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं जिनके मन में थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा अफसोस है. उनको लगता है काश हम भी अपने बच्चे को किसी बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते. है ना? थोड़ा सा रहता है ना, काश हमारे पास भी बहुत पैसे होते या काश हमारी भी कोई जान पहचान इतनी जुगाड़ होती तो हम भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते. ऐसा कई सारे पेरेंट्स मेरे को कहते हैं. इतना सब स्कूलों में अच्छा हो रहा है, अगर बच्चे बताने लगेंगे कि आप चिंता मत करो हमारा स्कूल अच्छा हो गया तो घर की टेंशन दूर होगी कि नहीं होगी? मम्मी पापा की टेंशन दूर होगी कि नहीं होगी? तो मम्मी पापा की टेंशन दूर करना किसका काम है? हमारा कि मेरा अकेले? हमारे भी सब आ जाते हैं. एक बच्चे का काम है कि अपने घर में अगर इस बात को लेकर थोड़ी भी टेंशन है कि हम अपने बच्चों को भी प्राइवेट में पढ़ा लेते तो उसको दूर करना अब आपका काम है.
है ना। कितनी देर बात करते हो अपने मम्मी पापा से? पूरा दिन? किसी दिन निशान लगा के देखना, कुछ बच्चे तो सेकंड्स में बात करते हैं। और ये मम्मी पापा मुझे बताते हैं कई जगह कि सेकंड्स में बात होती है कई जगह। उसकी लिस्टिंग बना के देखना किसी दिन कि किस टॉपिक पे कितनी देर बात की। मम्मी पापाओं की शिकायत है थोड़ी सी कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। उनको हाथ में फोन लग जाए, फोन पे बहुत देर बात कर लेते हैं। हमसे बात करो तो बोल, हम पूछते हैं खाना खाया था, चार शब्द में पूछेंगे, जवाब देंगे हाँ। स्कूल में पढ़ाई हुई थी? हाँ। कैसा रहा स्कूल? अच्छा। मम्मी बोलती है, मुझे बताती है कि हम पांच शब्द में सवाल पूछते हैं, हमारी बेटी एक सवाल एक शब्द में जवाब देकर निकल जाती है। थोड़ा लंबा बताया करो, बात क्या करो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सबको, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, ठीक है। और मैडम से रिक्वेस्ट है, कभी कभी किताब बंद करके पूछ लिया करो इनसे, मम्मी पापा से किस टॉपिक पे बात हुई। क्लासरूम में तो बात हो सकती है खुल के, किस मुद्दे पे बात हुई, कितनी देर बात हुई, थोड़ा इन सब चीजों को डिस्कोर्स में लाने की जरूरत है। तो आप सब लोग पढ़ के मेहनत करें।